अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। भारत ने भारत फिल्म निर्माता कलाकार और कला नहीं दे सकते। उनका जन्म 14 नवंबर 1946 को केरल भारत में हुआ था। भारतन का विवाह थिएटर और फिल्म अभिनेत्री केपीसी ललिता से हुआ था, जिनके साथ उन्होंने शादी से पहले और बाद में कई फिल्मों में काम किया। उनके दो बच्चे थे, श्री कुटी एक पूर्व बाल अभिनेत्री और सिद्धार्थ भारतन एक फिल्म अभिनेता और निर्देशक है। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट शिशु से अपना डिप्लोमा पूरा करने के बाद भारतन ने ए भिंसेट द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म गंधर्व क्षेत्रम 1972 के माध्यम से एक कला निर्देशक के रूप में फिल्मों में प्रवेश किया। वह अपने चाचा पी एन मेनन एक स्थापित निर्देशक से प्रेरित है। कुछ फिल्मों में एक कला निर्देशक और सहायक निर्देशक के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 1975 में पद्मराजन की पटकथा पर आधारित प्राणम के साथ निर्देशन की शुरुआत की। भारत ने मलयालम और तमिल में 40 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया। 1975 में प्रयोग के साथ अपने करियर की शुरुआत करते हुए भारत ने अपने ऑफबीट ठाकरा के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की, जो एक गुंगा केंद्रीय चरित्र के बारे में एक फिल्म है जिसे गांव की सुंदरता से प्यार हो जाता है। उनकी कुछ अन्य यादगार फिल्मों में रथी निर्पतम, चम्माराम, पालनंगल, अम्माराम और वैशाली शामिल है। 30 जुलाई 1998 को लंबी बीमारी के बाद 52 साल की उम्र में भारतन का चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनकी आखिरी फिल्म चूरम थी, जो उनके निधन से एक साल पहले रिलीज हुई थी। उनके पार्थिव शरीर को वार्डन कंचरी में उनके पैतृक घर वापस लाया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।